अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कस रही मेरठ जिले की पुलिस जेल से संचालित हो रहे अपराधी नेटवर्क पर भी लगाम लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में आज एसएसपी अजय सहानी ने कई थानों की फोर्स के साथ अचानक जिला कारागार पर छापा मारा। पुलिस ने जेल के सभी विभागों और बैरकों को खंगालते हुए बारीकी से पूरी जेल का निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान पुलिस के हाथ कोई संदिग्ध वस्तु नहीं लगी, मगर पुलिस की इस कार्रवाई से जेल में बंद कुख्यातों में हड़कंप जरूर मच गया। आपको बताते चलें, जिले में पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं में इन घटनाओं के तार जिला कारागार से जुड़े पाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने पहले भी जिला कारागार में छापेमारी की थी। आज दोपहर एसएसपी अजय सहानी और एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह कई थानों की फोर्स के साथ लाभ लश्कर के साथ अचानक जिला कारागार जा धमके। अधिकारियों और फोर्स के अमले को देख कारागार के स्टाफ और बंदियों में हड़कंप मच गया। एसएसपी अजय सहानी ने बताया कि छापेमारी में जिला कारागार के अस्पताल, पाकशाला और जेल की सभी बैरकों की संघन तलाशी ली गई। हालांकि इस दौरान पुलिस को कोई मोबाइल या अन्य संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। हालांकि एसएसपी ने जेल में बंद किसी बंदी से पूछताछ की बात से इनकार किया है। इसी के साथ जेल में सब कुछ व्यवस्थित होने का दावा भी उन्होंने किया है। सर, जेल पर अचानक छापेमारी, कुछ पाया गया? हाँ, जेल का आकस्मिक मुआयना किया गया था। यहाँ के बैर के हॉस्पिटल, हाई सिक्योरिटी सभी जगहों का, और सारी चीजें ठीक पाई गई हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है, और इसमें पुलिस की टीम और बाकी हम लोगों ने इसको किया, सारी चीजें हॉस्पिटल वगैरह का सब चीजें ठीक मिली। सर, कुछ बदमाश जो बन रहे थे, किसी बदमाश से कोई पूछताछ किसी विषय में? नहीं, किसी क्रिमिनल से कोई पूछताछ नहीं की गई है जेल में। ये तो बंद तो जितने हैं सारे बदमाशी हैं, लेकिन पूछताछ किसी से नहीं की गई है। बस ये देखा गया है किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो, कोई मोबाइल फोन वगैरह का मिसयूज वगैरह ना होता हो, ये सारी चीजें देखी गई है, तो सारी व्यवस्था ठीक पाई गई है।